हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को देखना है जो इस बार 12th में हैं, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं आपको 12th हिंदी के उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 3 से 4 बार आ चुका है और इस बार भी 99% चांस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लेकर आना है तो आपको उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एकदम फिक्स होता है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ लीजिए बस आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा, जितना क्वेश्चन आंसर आप पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा चांस रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नंबर लाने में। ठीक है, यानी कि 10 नंबर मैं आपका इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं। तो ऐसे ही मैं कई वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बताऊंगा, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृत है, इनमें से कौन सी रचना है जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, का है प्रदक्षिणा, खा है दान लीला, खा है रस कलश, घा है अतिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का प्रदक्षिणा। देखिए जो प्रदक्षिणा है ये जो रचना है इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, बाकी तीनों दूसरे कवियों की है। दूसरा क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। का है पल्लव, खा है स्वर्ण धूल, गा है ग्रंथ, घा है रसवंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रसवंती। ठीक है, जो रसवंती रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पढ़िए इसको ना पढ़िए, ये सब मेरा काम नहीं है। मैं आपको वही क्वेश्चन लाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। का है रसकलश, खा है युगांतर, गा है ग्राम्य, घा है हुंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का रसकलश। देखिए रसकलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर, प्रसाद की निम्न कृतियों में से एक कृत के नायक मनु है, वह कृति है, यानी कि प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना है जिसके नायक मनु है। ठीक है, का है प्रेम पथिक, खा है झरना, गा है कामायनी, घा है कानन कुसुम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का कामायनी। देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है इसके जो नायक है वो मनु जी है। ठीक है, श्रद्धा मनु आपने पढ़ा होगा, आप में चैप्टर भी है। ठीक है, तो वो कामायनी से ही लिया गया है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है। देखिए मैं आपको टोटल 30 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से ये पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान से आपको समझना है, ऐसा नहीं कि आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़कर फिर चले जाएं, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आगे बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको आपको जरूर पढ़ना है। तो देखिए निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त जी की एक अनुदित रचना है, इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की अनुदित रचना है। का है मेघनाथ वध, खा है यशोधरा, गा है प्रदक्षिणा, घा है सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का मेघनाथ वध। ठीक है, जो मेघनाथ वध है ये मैथिली शरण गुप्त जी की एक अनुदित रचना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि हरियोध का रस है, यानी कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं इनका रस क्या है। ठीक है, इन्होंने किस रस में अपनी रचनाएं की है। का है करुण रस, खा है श्रृंगार रस, गा है भक्ति रस, घा है वीर रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का करुण रस। देखिए जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो रचनाएं होती है उनमें ज्यादातर हमें करुण संवेदना देखने को मिलती है, यानी कि करुण रस होता है उसमें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्राधार काव्य की भाषा है, यानी कि जो चित्राधार काव्य है इसकी ये किस भाषा की कृति है, इसको किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, का है अवधि, खा है ब्रज, गा है कन्नौजी, घा है भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्रज भाषा। ठीक है, चित्राधार जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया, तो खा वाला ऑप्शन राइट होगा।
एक एक को आपको नोट करते हुए चलना है, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कभी पंथ समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, यानी कि जो कभी कभी सुमित्रानंद पंत जी हैं वो समाजवाद की ओर कब किस रचना से उन्मुख हुए, ठीक है। काहे ग्राम्या में, काहे स्वर्ण धूल में, गाहे चिदम्बरा में, गाहे ग्रंथ में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, ग्राम्या में। देखिए ग्राम्या जो कभी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, इस रचना को करने के बाद जो सुमित्रानंदन पंत जी है वो समाजवाद की ओर उन्मुख हो गए, ठीक है। उनकी समाजवाद के प्रति जो प्रेरणा थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किस मतलब कब मिला, ठीक है। काहे वर्ष 1970 में, खाहे वर्ष 1971 में, गाहे वर्ष 1972 में, खगाहे वर्ष 1974 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, वर्ष 1972 में। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कब दिया गया, वर्ष 1972 में इनको दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा के नहीं है, जो प्रेमाश्रयी शाखा होती है, ठीक है। काहे जायसी, काहे सूरदास, गाहे मंजन, गाहे कुतुबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, सूरदास, ठीक है। यानी कि सूरदास जी जो हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जो सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय जी की नहीं है, ठीक है। आपने आपके उसमें 12th में एक चैप्टर है अशोक के फूल, उसको सॉरी अशोक के फूल नहीं, जो आपका अयोध्या सॉरी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। तो ये कौन सी रचना नहीं है, काहे बाबरा टेरी, काहे सुनहले सहवाल, गाहे तेलम, ठीक है, तेलम कर दीजिएगा, घाहे रेणुका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, रेणुका। देखिए जो रेणुका है ये इनकी रचना नहीं है अज्ञेय जी की, ठीक है। 12 नंबर देखिए, बाकी सब है। 12 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सी है, काहे हुंकार, काहे धूप के धान, गाहे कालजयी, खाहे चित्राधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, हुंकार। देखिए हुंकार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, ठीक है। तुक्का वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान से पढ़ना है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, आंगन के पार द्वार, ये रचना है आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, काहे जयशंकर प्रसाद, खाहे महादेवी वर्मा, गाहे अज्ञेय, खाहे सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, अज्ञेय जी की, ठीक है। आंगन के पार द्वार जो है ये अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, यानी कि जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, ठीक है, उसको चारण काल नाम किसने दिया, कौन थे वो आखिर, ठीक है, टैलेंटेड। काहे राहुल शंकरदयाल ने, काहे रामचंद्र शुक्ल ने, गाहे राम कुमार वर्मा ने, गाहे डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल जो नाम दिया वो राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लहर के रचनाकार है, लहर के रचयिता कौन है, बताइए, आंसू, लहर, झरना, इसके रचयिता कौन है, सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी, बस हो गया, का वाला ऑप्शन राइट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नई कविता के कवि हैं, इनमें से नई कविता के कवि कौन है, काहे जयशंकर प्रसाद, काहे रामधारी सिंह दिनकर, गाहे जगन्नाथ दास रत्नाकर, और गाहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये जो है नई कविता के कवि है, ठीक है, नई कविता की रचना है उसके कवि यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल के नाम से जाना जाता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, काहे आदिकाल, काहे भक्तिकाल, गाहे रीतिकाल, गाहे आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भक्ति काल, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है इसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है, बताइए इनमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है, तो सिंपल सा है, का वाला ऑप्शन राइट होगा, वैदेही वनवास। देखिए वैदेही वनवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है, आपके 12th में चैप्टर भी इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का पवन दूती का, उसको पढ़ लेंगे, इनकी इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं को पढ़ लेंगे, तो आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। आप जीवन परिचय भी लिख देंगे और यहां पर आप क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे, ठीक है। तो जितने भी लेखक और कवि हैं आपके बुक में उनको पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं, उनके जीवन परिचय को पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, रीत मुक्त कवि है, इनमें से कौन से कवि रीत मुक्त है, काहे बिहारी, खाहे भूषण, घाहे गाहे केशवदास, घाहे घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, घनानंद, ठीक है। इसमें से जो घनानंद जी हैं ये रीत मुक्त कवि
नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना जो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, का है सिद्धराज, गा है इत्यलम, गा है अनक, गा है प्रदक्षिणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा इत्यलम। ठीक है, इत्यलम जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, बाकी जो तीनों रचनाएं हैं वो इन्हीं की है। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृत उर्वशी पर पुरस्कार मिला था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है उर्वशी, इस पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, का है साहित्य अकादमी पुरस्कार, खा है भारत भारती पुरस्कार, गा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, घा है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उर्वशी पर। ठीक है, उल्टा सीधा भी दिया जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कैसे भी क्वेश्चन आता है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, जो टैलेंटेड बॉय होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, उनको क्वेश्चन कैसा दे रहा है, किस प्रकार से दे रहा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित है, यानी कि जो हमारे अज्ञेय जी हैं वो किस सप्तक में संग्रहित है, का है तार सप्तक, खा है दूसरा सप्तक, गा है तीसरा सप्तक, घा है चौथा सप्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तार सप्तक में। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो है ये तार सप्तक में संग्रहित है, तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने किया। ठीक है, नेक्स्ट है विनय पत्रिका की रचना है, विनय पत्रिका की रचनाकार है, रचनाकार कौन है बताइए, का है तुलसीदास, का है कबीरदास, गा है सूरदास, गा है जायसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तुलसीदास। देखिए, तुलसीदास जी ने ही विनय पत्रिका की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, कामायनी किस युग की रचना है, सिंपल सा है, बताइए किस युग की है, का है ऋग्वेदी युग, खा है छायावाद उत्तर युग, गा है छायावादी युग, घा है भारतेंदु युग। तो छायावादी युग की है, क्योंकि देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युग के कवि हैं, तो इनकी रचनाएं जो होंगी वो छायावादी युग की होंगी, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये आपका गा वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं, यानी कि इसमें से कौन से कवि हैं जो छायावादोत्तर काल के हैं, का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है राम नरेश त्रिपाठी, घा है शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सॉरी राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, 24 का गा वाला ऑप्शन राइट होगा, कि जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं ये छायावादोत्तर काल के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, बताइए कौन सा काल है जिसको श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं, का है आदिकाल, खा है भक्ति काल, गा है रीति काल, घा है आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा रीति काल। देखिए, हिंदी साहित्य के रीति काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 27, रीति काल की प्रमुख विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी जो विशेषता है प्रमुख रीति काल की वो क्या है, का है प्रकृति चित्रण, खा है ईश्वर वंदना, गा है युद्धों का सजीव वर्णन, और घा है मुक्तक काव्य रचना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा मुक्तक काव्य रचना। देखिए, रीति काल की जो प्रमुख विशेषता है वो मुक्तक काव्य रचना है। नेक्स्ट 28, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने नहीं लिखी। ठीक है, का है हुंकार, खा है रश्मिरथी, गा है चित्राधार, खा है रेणुका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का चित्राधार। देखिए, चित्राधार जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि यामा रचना है, अब यामा किसकी रचना है सभी को पता है, का है जयशंकर प्रसाद, खा है महादेवी वर्मा, गा है गे, घा है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महादेवी वर्मा। देखिए, यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। लास्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, बताइए इनमें से कौन से कवि हैं जो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, का है जायसी, खा है मंजन, गा है नंददास, खा है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा नंददास। ठीक है, ये जो है ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए जानना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़कर जाइएगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा कि जो साकेत महाकाव्य है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जो साकेत है इसके रचयिता कौन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं, आज का ये वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। ये 30 क्वेश्चन आपको तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम देने। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।